हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। तो तुम सभी का स्वागत है पोकेमोन के वन ऑफ द बेस्ट गेम पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू के 23rd एपिसोड में। सो अगर भाई तुमने इससे पहले कोई भी एपिसोड नहीं देखा है तो सभी एपिसोड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके पहले उन्हें देख लो, तब तुम्हें स्टोरी और बेटर समझ में आएगी। सो या भाई, लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था कि क्यूबोन को भाई टीम रॉकेट पकड़ के ले गई थी, उसे मतलब बुद्धू बना के ले गई थी, और भाई अब हमें उसे बचाने जाना है क्योंकि भाई अगर क्यूबोन भाई उनके हाथ में आया तो वो कुछ अच्छा तो करने नहीं वाली टीम रॉकेट। तो हमें उसे बचाने के लिए भाई मतलब टीम रॉकेट के पीछे सेलेडोन टाउन में जाना पड़ेगा, तब हम उसे बचा पाएंगे। तो चलो भाई चलते हैं, लेट्स गो। ओ पीछे का म्यूजिक चेंज हो गया भाई, चलो थोड़ा एनर्जेटिक सा म्यूजिक आया, नहीं पहले तो भाई क्या नाम है ये हॉरर म्यूजिक चल रहा था, और बैटल भी स्टार्ट हो गया भाई आते ही। व्हाट्स अ क्यूट राउंड एंड फ्लफी पोकेमोन, ओ ब्यूटी ओबरॉय, ओहो मैडम जी का स्टाइल हमारी का। ओ क्या निकाला, क्लिफ फेरी है यार, मेरे पास पॉइजन टाइप नहीं है यार, देख भाई मतलब, लेकिन पिकाचू मेरा मेरे ख्याल से हरा देगा। और या भाई पिकाचू में ड्रेस चेंज नहीं करी, एक सेकंड में अभी वो एस वाइल्ड ड्रेस पहनाता हूँ दोनों को। थंडर मार दिया, अरे यार मुझे थंडर बोल्ट मारना था, अवॉइड कर दिया इसने। देख मुझे उंगली दिखा, तू बता रहा हूँ। लीच सीड, अरे ओ बच गया, देखा भाई पिकाचू है ना शाउट की वजह से भी बच जाता है भाई पिकाचू, बहुत प्यारा पिकाचू अपना। थंडर बोल्ट मारते हैं इस बार, थंडर का मुझे रिस्क नहीं लेना इस बार यार, क्योंकि बढ़िया। अरे यार इतना सा रह गया भाई क्लिफेरी का डैमेज। अरे भाई फिर से उंगली दिखा रही है भाई, से उंगली दिखाने का शौक है क्या बीच में, किसी के बीच में ऐसी उंगली डालने का। अरे यार कट अटैक्स कुछ नहीं होने वाला भाई, इतना कोई खास अटैक नहीं है कट, वैसे भी वो मतलब उसमें ही काम आता है ज़्यादातर, क्या नाम है, पेड़ काटने में। बढ़िया हरा दिया आसानी से यार, आसान था ही जा रहा ना। मैं काम करता हूँ, कपड़े चेंज कर लेता हूँ पहले अपने, मेरा पिकाचू लेवल 34 पे है। वाह भाई, डोंट बी सो मीन टू माय क्लिफेरी। अरे मैं भाई देखा, बैटल तो बैटल है ना यार, मैं क्या करूँ बता यार, मैडम जी सॉरी भाई अगर गलती हो गई तो। अब एक काम करते हैं, कपड़े बदल लेते हैं भाई, वैसे मैं यहाँ ऐसे बीच रूट पे कपड़े बदल रहा हूँ अपने, ये अच्छी बात नहीं है। स्पोर्ट्स कैप या पिकाचू, कैप तो मैंने नहीं बदली थी या, अब ये बदल लेते हैं। बढ़िया, अब अपने कैरेक्टर कर लेते हैं, एस बना देते हैं इसको वापस से, वैसे एस ही है हमेशा से, एस बना देते हैं क्या मतलब, एस ही है, कपड़े बदल लेते हैं बस, बैग भी चेंज कर ही देते हैं। यस चलो जी हो गया, बढ़िया वापस हम एस बन चुके हैं, नाइस। अब यहाँ पे चलते हैं, कट यूज़ करते हैं, वहाँ पे अंकल जी बैटल करेंगे, वहाँ पे भी चलेंगे अपन फिर। यहाँ पे देखते हैं क्या है भाई, यहाँ पे एक क्लिफेरी है और यहाँ पे एक ये है भाई, क्या नाम इसका, ट्रेनर, एस ट्रेनर है भाई, जो कि बहुत स्ट्रांग होती है। ओ फायर स्टोन मिला है, एक सेकेंड फायर स्टोन मिला तो भाई मैं शायद से, ओ भाई एक सेकंड। अब देखो राइड पोकेमोन मिलने वाला है अपन को एक और, मेरे ख्याल से किसे रखूं मैं यार, मैं प्राइम में भी बन यार, बटर फिर रख देते पहले थोड़ी देर के लिए, इसको भाई इवोल्व कर लेते हैं ग्राउलिथ को, ताकि भाई फायर स्टोन से अपन राइड पोकेमोन आर्कनाइन बन सके, पावर ऑफ पॉकेट मिलेगा मेरे ख्याल से या। और ये भाई अपन ग्राउलिथ इवोल्व कर रहे हैं, बढ़िया एपिसोड के स्टार्ट में ही, नाइस। इससे अच्छी स्टार्टिंग क्या होगी भाई, तालियां बजाओ भाई, ताली बजाओ, ग्राउलिथ बनने वाला है हमारा आर्कनाइन। और अब भाई साहब क्या एकदम देखा ना, शेर बन गया भाई बंदा, एकदम साइडों में ऐसे बाल वगैरह आ गए इतने सारे, शेर बन गया हमारा भाई। चलो भाई अब इस पे राइड करके देखते हैं, मजे आएंगे भाई राइड करने में यार, बढ़िया। अब इस पे राइड करते हैं अपन, पिकाचू, अरे पिकाचू क्यों आ गया, चलो खेल लेते हैं यार पिकाचू के साथ, वैसे खेले नहीं बहुत दिन होगा यार। ले भाई पिकाचू, पिका ये ले बेरी खा ले तू, ले रेसबेरी खा, अगली बार से ना मैं नए बेरी खिलाया करूँ, जो मैं यूज नहीं करता ज्यादा वो खिलाया करूँगा, नहीं तो वो वेस्ट जाएगी खा मखा, क्या फायदा। अब एक काम करते हैं, अपना आर्कनाइन निकालते हैं बाहर, इससे बैटल बाद में करेंगे अपन, बढ़िया। ओए ओ भाई देखे बढ़िया लग रहा है यार आर्कनाइन देखना, ओ भाई साहब, अरे वाह यार बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई अपना आर्कनाइन, तो देखना कितनी तेज भाग रहा है भाई ये, हाँ बढ़िया। और पोकी बोले यहाँ पे ले लेते हैं एक्स स्पीड, यहाँ पे ट्रेनर्स भी है भाई बहुत सारे, चलो करेंगे बैटल। यहाँ से देखते हैं, ओ यार यहाँ पे, अरे यार मैं कहाँ से निकलूँ, एक सेकंड यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ, अरे यहाँ अंकल जी खड़े हैं, बच गया। अरे भाई इतने सारे ट्रेनर्स है भाई यहाँ पे, किस किस से बचूं मैं यार, यहाँ पोकी बॉल है पर, एक सेकंड लेते हैं पोकी बॉल, ये ले भाई पोकी बॉल मिली यार, ऊपर कुछ हिडन आइटम है क्या, वो खाली जगह भी तो है, पर ऐसा भी हो सकता है। आर्कनाइन क्या हो गया भाई, अरे भाई इसने बिना मुंह खोले, आर्गेनाइज फीलिंग टोटली केयर फ्री, हाँ मैं ऐसे घूम रहा हूँ भाई जभी, चलो बैटल कर लेते हैं इससे। यू शुड बी इन्फॉर्म्ड, यू नीड स्ट्रेटेजी टू विन एट दिस, हाँ तो भाई स्ट्रेटेजी के बिना जीता भी नहीं जाता, अगर मैं भाई टाइप एडवांटेज की स्ट्रेटेजी और सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर मैं वो फॉलो नहीं करूंगा तो हारूंगा फिर। रोकर ग्लेन, ओ भाई हेलो सर, क्या हालचाल, अरे जोल्टे काटे वाला पोकेमोन, नाइस यार मैं पिकाचू रख रखा है अपना, आगे मैं आईविसोर निकालता हूँ ना, नहीं सॉरी वीनसोर निकालता हूँ भाई मैं, जब भी पता है जब मेरा आईविसोर बन जाता है तो मैं क्या नाम उसे बल्बसोर बोलता हूँ, और जब मेरा वीनसोर बन गया तब मैं उसे आईविसोर बोल रहा हूँ, मतलब पीछे का याद आ रहा है, अब जब मेगा वीनसोर बनेगा ना तब मैं इसे वीनसोर बोलूंगा। बढ़िया भाई वाओ, अरे ये हमारा वीनसोर है भाई, कितना बढ़िया लग रहा है एकदम, मेंढक बड़ा हो गया हमारा मेंढक, पहले छोटा सा पकड़ा था भाई सेकंड एपिसोड में, अब कितना बड़ा हो गया ना, अरे वाह भाई। पेटल डांस मार के देखते हैं, नया मूव सिखाया हमारे इसने वीनसोर ने, एक बार भी यूज नहीं कर मेरे ख्याल से मैंने इसको ना,
अरे भाई रुक जा भाई, क्या कर रहा है भाई यार, जोल्टियन ऐसा ना कर, देख तू पेटल डांस खा मस्त, एजिलिटीज कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई बच गया यार इतना सा, चलो फिर से मारते हैं पेटल। अरे एक सेकंड, मैंने तो मूवी यूज नहीं किया यार, ये क्या हुआ? ओ भाई मैंने मूवी यूज नहीं किया था कुछ भी, अब ये अपने आप पेटल डांस मार रहा है यार। ओ वैसे पेटल डांस ही मारता, लेकिन फिर भी यार पूछ कर मारना चाहिए भाई, विनसोर अपने आप ही मार रहा है यार तू तो भाई। 496 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले, बढ़िया हरा दिया। इट्स नॉट लॉजिकल, अरे भाई तो मैं स्ट्रेटेजी का यूज किया, तूने कहा था ना स्ट्रेटेजी का यूज करूंगा तभी जीतूंगा, इसलिए मैंने स्ट्रेटेजी का यूज किया है। या अभी अंकल जी से और बैटल कर लेते हैं। ऑल राइट लेट्स प्ले अ गेम। अरे अंकल जी चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले अ गेम। अब ये देखना है अंकल जी के पास कौन सा, अरे गेमर स्टैन भाई मैं बता तो रहा हूँ, ये मामा शकुनी है दूसरे एकदम भाई बीच में दो डाइस लेके ना मस्त लगते हैं। पिकाचू, अरे यार स्विच करते हैं फिर से, राई हॉर्न है तो राई हॉर्न के लिए अपन निकालते हैं वो टटल को भी ट्रेन करना है यार अपन को भाई। मेरा मेरा 4 मिलियन कब 4000 बनेगा यार, मैं बहुत वेट कर रहा हूँ उस चीज का भाई, फिर राइड करने में अलग ही मजा आएंगे उड़ के राइड करने में। यस वो टटल आ गया, क्या मारेगा भाई? ड्रिल रन। ओ क्या हुआ अबे, ये क्या हुआ? ओ भाई वन हिट के मार दिया मेरे बेचारे वो टटल पे, तो गलत बात है ना यार। अरे यार मेरे वो टटल की मैंने वाट लगा रखी है, मुझे वीनसोर निकालना चाहिए था क्योंकि पावर हाउस है, लेकिन वीनसोर भाई ड्रिल रन के खिलाफ मेरे ख्याल से वीक ही पड़ जाता क्योंकि ना वीनसोर पॉइजन टाइप भी है ना। पर कोई बात नहीं, अपन एक पेटल लांस मेरे ख्याल से इसको हरा सकते हैं। ये ले भाई, यार मुझे हील करवा के आना पड़ेगा अपने भाई इसको 4 मिलियन को, सॉरी वो टटल को ना। हरा दिया, बढ़िया। चलो भाई एक बार पोकेमॉन सेंटर में होके आते हैं यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे कोई पोकेमॉन ना फेंट रहे। अंकल जी शकुनी अंकल जी बहुत डैमेज देते हो आप ना, गलत बात है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बच बच के चलो इन अंकल जी से भी, इस लड़की से मेरे ख्याल से बैटल कर लिया था मैंने पोकेमॉन सेंटर में हो गया था एक बार जाके फट दे से। नर्स जॉय से मिल लेंगे यार इसी बहाने भाई। नर्स जॉय हाय कैसी हो आप, लॉन्ग टाइम नो सी। अरे अरे सारे हील हो गए बढ़िया, वी होप टू सी यू अगेन। अरे बाय नर्स जॉय, ये खोलो भाई इसको, बढ़िया पिकाचू, बढ़िया। अब यहाँ बैटल था ना, एक बैटल कर लेते हैं। आई कैन कैच अ लॉट ऑफ पोकेमॉन अराउंड हियर सो बज़ ऑफ। अरे कर ले भाई पोकेमॉन कैच, मैं थोड़ी रोक रहा हूँ, मैं बैटल करने आया हूँ बस, कर ले कैच। और वैसे पोकेमॉन कैचिंग पोकेमॉन की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो वैसे ही कैच करने पड़ते हैं इस गेम में तो। एस ट्रेनर काइला, अरे वाह, वो कडाबरा, काइला के पास कडाबरा निकला। पर यार मैं कडाबरा को लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता, तो पिकाचू को आगे रखता हूँ, थंडर मारता हूँ कडाबरा के। अरे यार अवॉइड कर दिया भाई इसने यार, ओ नो भाई मैं थंडर क्यों मारता हूँ, थंडर बोल्ट ही मारना चाहिए, पर यार मुझे थोड़ा रिस्क रहता है थंडर बोल्ट में ना कि कभी एक अटैक में ना हारे, लेकिन थंडर में भी वही रिस्क, थंडर में तो अटैक ही नहीं लगता लेकिन अब लग जाएगा मेरे ख्याल से, एक में हार जाएगा। बढ़िया, देखा मेरे पिकाचू वन शॉट कर देता भाई अगर मारता है तो एक बार में। कौन सा है माचोक, यार मैंने माचोक के लिए भाई वो अपना अंदर रख दिया यार बटरफ्री को ना, ये गलत काम कर दिया यार मैंने, तो माचोक के लिए अपन यार प्राइम एप को निकालते हैं, प्राइम एप पास फाइटिंग टाइप है तो, और माचोक मेरे ख्याल से स्टील टाइप भी है ना, तो मेरे ख्याल से अपन को एडवांटेज थोड़ा तो मिलेगा इस चीज का। भाई प्राइम एप आ गया अपना, ये बंदर पोकेमॉन आ गया। ओ भाई माचोक आ गया, बढ़िया कराटे चोप ब्रिक ब्रिक मार के देखते हैं, बढ़िया वाला। और ये लीजिए भाई साहब, अरे डैमेज नहीं हुआ इतना ज्यादा। सबमिशन मार रहा भाई, सबमिशन मूव मार रहा है मेरे, देखना रोल पोल कर दिया। अरे भाई एक अटैक में वैंड बजा दी इसने मेरी, ओ डैमेज हुआ इसके, एक सेकंड डिक मारते हैं इसके, डिक करके देखते हैं मेरे ख्याल से एक में हार जाए प्लीज। ये फिर से सबमिशन मारेगा, देखना अभी देखना, देखा सबमिशन मार रहा है भाई बंदा, मेरा डिक लगेगा एक अटैक में, हार जी नहीं मैं हार जाऊंगा। अरे वाह मैं तो गया, ओ बच गया, ओ भाई बच गया बच गया बच गया। अब कराटे चॉप मार खत्म कर देते हैं इसको, और ये बढ़िया भाई जीत गया मेरा फ्राई में अपने भाई, कमाल कर दिया, नाइस हरा दिया माचोक को और खासकर एस ट्रेनर को भी, बढ़िया। यू डिडंट बज ऑफ, अरे 2900, अरे भाई एस ट्रेनर ज्यादा पैसे देते हैं और भाई बढ़िया, और भाई स्ट्रॉन्ग भी होते हैं ये, देखो 5 अल्ट्रा बोल भी दी, नाइस। एक तरह से देखा जाए देखो अल्ट्रा बोल भी भाई 1200 पोके डॉलर की आती है और 2900 पोके डॉलर अलग दिए हैं, तो 5000 पोके डॉलर मिल गया अपन को ऐसे ही। मैं काम करता हूँ यहीं पर हील कर लेता हूँ अपने ना जो डैमेज हुआ है ना अपने प्राइम एप को, हील कर लेते हैं अपन यहीं पर। ये घास काट देते हैं, घास काटना अच्छी बात होती है, मतलब वैसे घास काटना अच्छी बात नहीं है, अगर वैसे अगर थोड़ा साफ सफाई रखना अच्छी बात होती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कोई रेयर पोकेमॉन मिलेगा क्या इन घासों में यार, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ लियोर यूज़ करके ना। ओके लियोर यूज़ हो गई, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ रेयर पोकेमॉन स्पोन हो जाए भाई कोई अच्छा सा, मज़े ही आ जाए फिर। रेटिकेट है बहुत रेयर है मुझे पता है, पर इतना रेयर भी नहीं पकड़ना यार रेटिकेट जितना। जिगलीपफ मैंने पकड़ी रखी है यार, तो और कुछ तो दिख नहीं रहा। ग्राउलिथ है एक और, वैसे यार इस टाइनी ग्राउलिथ है तो पकड़ के देख लेते हैं टाउनी ग्राउलिथ को ना, तो क्योंकि एक्सपीरियंस तो मिलेगा अच्छा खासा इससे भी। ओह पकड़ में आ गया भाई एकदम, मैंने लास्ट फेंका था नहीं, मुझे लगा मेरी ग्रेट बॉल वेस्ट हो जाएगी, बस एक बार पकड़ में आ जाए यार। चलो पकड़ में भी आ गया, बढ़िया एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा भाई, अच्छा खासा मिल जाएगा मेरे ख्याल से। 238 एक्सपीरियंस मिला, नॉट गुड और नॉट बैड, या नॉर्मल सा ही दिया बस। यार यहाँ कोई पोकेमॉन नहीं आ रहा ऐसा अच्छा खासा, तो बैटल ही कर लेते हैं अपन। हेलो
भाई ये ओसुडे पढ़े कोई साइंस वाला बच्चा लग रहा है। यू लुक गुड एट पोकेमोन बट हाउ इज योर केमिस्ट्री ग्रेड? केमिस्ट्री ग्रेड या ओके ओके लगा ले भाई। कुछ खास नहीं। सुपर नर्ड एडन भाई, हाँ इसको देखो, इसका चेहरा देख के लग ही रहा है खतरनाक एकदम साइंटिस्ट वाला भाई है अपना। देखो आईपैड बहुत चलाता है, देखो हाथ में भी आईपैड ले रखा है इसने। नहीं आईपैड नहीं, पीपैड, पोकेमोन पैड। इसके लिए अपन क्या करें, थंडरबोल्ट मार देते हैं कोफिंग के। मेरे ख्याल से एक में इसका काम हो जाना चाहिए खत्म। बढ़िया है, एक अटैक में हरा दिया पिकाचू ने, नाइस। मेरा पिकाचू भाई बहुत जल्दी हरा देता है, बहुत अच्छा। सुपर नट एडन को हरा दिया अपन ने, ये बेचारा रोने लग गया इतनी जल्दी भाई, इतनी आसानी स्कोर रहता है, आरजी चलती रहती है भाई। इन अंकल जी से बैटल कर लेते हैं, शकुनी अंकल जी से। आई एम रैम्बलिंग गेमिंग ड्यूड, अरे पता है अंकल जी, आप शकुनी मामा दूसरे हैं। आपके हाथ में डाइस से हम समझ चुके हैं ये चीज, और ये हाथ में क्या चूड़ी सी ले रखी है, ये भी इससे भी समझ चुके हैं क्या ले रहा है आपने। ओ सीकिंग भाई, मेरे पिकाचू का एडवांटेज एडवांटेज मिले जा रहा है, पिकाचू और वीनस और खास कर दोनों को। और ये मारते हैं थंडर बोल्ट फिर से, देखते हैं कितना डैमेज आता है। ओ नाइस, अरे भाई कैसे वन शॉट कैसे नहीं हो यार, मेरे ख्याल से कुछ खिला रखा होगा सीकिंग को इसने, मतलब भाई अपने अंकल जी ने, शकुनी मामा ने, आखिरकार है तो शकुनी मामा ही। जीपी जैप मारते हैं, चलो हरा दिया सीकिंग को। वैसे मेरे ख्याल से सीकिंग पहली बार दिखाया अपने इस गेम में ना, नाइस भाई, बढ़िया लग रहा है मतलब देखने में डिजाइन। लेकिन भाई ये फ्लोट कैसे कर रहा है, इट डजंट मेक सेंस, थोड़ा सेंस होना चाहिए भाई। यू आर गेमर रिच, मिस्ड द बिग चांस। ओके ठीक है अंकल जी, आपका चांस आपका मौका सब गया। यहाँ पे देखते हैं अब यार कुछ मिले यार, आया किस में, वो आर्कनाइन घूम रहा है, बताओ मैं तो आर्कनाइन ही मिल जाता है यहीं पे, मैं तो आर्कनाइन ही पकड़ लेता, मैंने क्यों फायर स्टोन अपने खराब किया। चलो पकड़ के देखते हैं इसको, अल्ट्रा बोल से पकड़ते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं है आएगा पकड़ में नॉर्मल उससे ना। इसके रेसबेरी फेंक के देखते हैं एक, और ये ले अंकल जी, नहीं अंकल जी नहीं सॉरी आर्कनाइन जी। अरे भाई ये तो मानता ही नहीं भाई, कहना ही नहीं मानता बिल्कुल। ये ले भाई ग्रेट कैच है, प्लीज पकड़ में आ जाओ, पहली बार अल्ट्रा बोल यूज कर रहा हूँ, थोड़ी सी इज्जत रख लियो अल्ट्रा बोल की यार। ओ आ गया, नाइस बढ़िया, आर्कनाइन पकड़ लिया ये। 451 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले, ये इसने बढ़िया एक्सपीरियंस दिया ना, नाइस। फायर स्पिन आया किसको, आया पर 4 मिलियन को आर्कनाइन को, ओ 4 मिलियन को आया तो एम्बर हटा देते हैं, एम्बर की जरूरत नहीं अगर फायर स्पिन आ गया तो यार। बढ़िया वीनसोर 34 पे और प्राइम एफ 31 पे, अच्छा खासा लेवल अप हो रहा है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं अपन को, ट्रेनिंग वगैरह की ज्यादा जरूरत है नहीं वैसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की। अब एक काम करते हैं बटरफ्ली को बाहर निकाल लेते हैं अपनी को ना, नहीं है ना भाई क्या नाम है वो, ट्रेन नहीं हो पाएगी, और मैं नहीं चाहता बटरफ्ली ट्रेन ना हो क्योंकि भाई अभी अगली जिम ना ग्रास टाइप आने वाली है, और ग्रास टाइप में फ्लाइंग टाइप अटैक का बहुत ज्यादा जरूरत, मतलब फ्लाइंग टाइप अटैक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है अपन को। तो यार अपन अभी फिलहाल पैदल चलने के मजे लेते हैं, और क्या नाम है अपनी बटरफ्ली के साथ घूमते हैं थोड़ी देर है ना। ओके यहाँ पे कुछ नहीं है, लियोर यूज तो कर लिया मैंने, पर अब मेरे ख्याल से यहाँ कुछ है नहीं और खास। वहाँ पे भी हो गया बैटल, इस बंदे से भी हो गया था ना, हाँ हो गया, इन अंकल जी से बैटल हो चुकी, और यहाँ पे देखते हैं अब ये लड़की खड़ी है, दो बातें गपशप कर रही है भाई, ये पक्का चुगली कर रही हो किसी ना किसी की, वो आंटी होती है जैसे, ये भी पक्का किसी की चुगली कर रही होगी दोनों की दोनों। हाँ भाई क्या कर रही है, म्याऊ इज सो क्यूट, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, इसे म्याऊ तो पसंद है, म्याऊ फिर म्याऊ म्याऊ क्यों कर रही है भाई, मुझे पिकाचू पसंद है पर पिका 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 तो नहीं करता रहता ना। लास्ट एंड्रिया, ओ म्याऊ भाई, अच्छा म्याऊ 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 3 बार म्याऊ बोला इसने क्योंकि इसके पास 3 म्याऊ थे। ओ भाई साहब क्या लॉजिक है, पर मेरे ख्याल ज्यादा टिकने नहीं वाला है म्याऊ तो। यार एक काम करते पिकाचू, मतलब पहले म्याऊ को तो इससे हरा देते हैं, और फिर मैं उसमें प्राइम मैप में स्विच कर लूंगा। ले भाई, अरे थप्पड़ मारेगा यार ये, अरे यार मेरा फ्लिंच कर दिया भाई। थंडरबोल्ट मारते हैं फिर से, ओ भाई साहब अच्छा भाई बढ़िया नाइस, एक में हरा दिया, ये चीज सही थी। ओ यार इतना सा रह गया पर मिल जाएगा एक्सपीरियंस, अब पिकाचू 35 लेवल पे होने वाला है मेरा प्राइम एप, बढ़िया। आजा भाई पिकाचू वापस प्राइम एप कमाल दिखाने दे अपना, मेरा प्राइम एप आएगा बढ़िया। एक और मैं आउट भाई, कितने भाई, एक एक तरह के पोकेमोन नहीं पकड़ने चाहिए इतना ज्यादा, मतलब पकड़ भी रही है तो बॉक्स में रखना यार, मतलब बैटल के लिए एक तरह के पोकेमोन यूज करना बहुत रिस्की चीज है ये। देख यार ये भाई ये फेक आउट ना, ये बहुत गंदा मूव है यार, मुझे मूव भी नहीं मार देता यार देखो। और चलो इस बार तो मिस हो गया इसका, ये ले भाई बढ़िया, देखा एक अटैक में हरा दिया भाई। तो एक मतलब मान लो अगर मैं फायर टाइप पोकेमोन रखूंगा ना बस, तो वाटर टाइप खिलाफ मुझे गंदी वाली डिसएडवांटेज होगी, इसलिए भाई ये बहुत गलत है, इन्हें समझना चाहिए इस बात को ना, समझते ही नहीं है भाई। म्याउथ निकाल लिया बढ़िया, अब अपन क्या करते हैं इस म्याउथ के लिए, इसके ब्रिक ब्रेक मारते हैं, बस फेक आउट यूज ना करें, बढ़िया जीत गए अपन मेरे ख्याल से, बढ़िया हरा दिया तीनों म्याउथ को, म्याऊ 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 कर दिया मैंने नाइस म्याऊ, अरे अभी अभी म्याऊ कर रही है बेचारी, इससे बैटल करते हैं। वी आर शोइंग ऑफ अवर पोकेमोन, डू यू वांट टू ट्राई शोइंग ऑफ, अरे तो सब शो ऑफ ही करते हैं ना भाई, मेरा पोकेमोन ताकतवर है, मेरा पोकेमोन ताकतवर, जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम द लेजेंडरी ट्रेनर ऑफ ऑल टाइम, मैं पोकेमोन चैंपियन फ्यूचर पोकेमोन चैंप, मतलब शो ऑफ नहीं कर रहा मैं, लेकिन या आई एम, मैं हूँ सच में ऐसा, इसमें कोई इतराने वाली बात है नहीं। वैसे पिकाचू वर्सेस पिकाचू, ओ भाई साहब, और इस बार पता है क्या, मेल पिकाचू वर्सेस मेल पिकाचू है, नहीं तो हर बार पता है क्या, फीमेल पिकाचू आती है, थंडरबोल्ट ही मारते हैं इसके, पिकाचू वर्सेस पिकाचू चलने दो,
मजे आते हैं पिकाचू। अरे वाह, मेरे पिकाचू ने फिर भी हरा दिया एक थंडरबोल्ट में, जबकि नो टाइप एडवांटेज। वाह भाई, ट्रेन करना चाहिए भाई तुझे अपना पिकाचू को। मेरा पिकाचू देखिए ताकतवर है, मुंह बनाने थोड़ी कुछ ऐसे ही चल जाएगा। ट्रेन कर, उदास बैठने थोड़ी काम चलता है। यहाँ देखते हैं, अब फिर से यही भाई वो पी पैड वाला बंदा आ गया भाई। स्कूल इज फन बट सो आर पोकेमोन। हाँ लेकिन पोकेमोन स्कूल भी तो होते हैं, जहाँ पोकेमोन और स्कूल दोनों साथ फन कर सकते हैं। या दोनों चीज बढ़िया है। लेसली, अरे कौन भाई, मैग्नम आई टेस्ट के पास। अरे मुझे वो निकालना पड़ेगा अपना यार, वो निकालते 4 मिलियन को। फायर स्पिन सीखा है उसने, अभी ट्राई आउट मार लेते हैं उस मूव को। बढ़िया पिकाचू आजा भाई, 4 मिलियन पहली बार आ रहे हैं आज के एपिसोड में बैटल करने के लिए। बढ़िया आजा भाई, दिखा कमाल। सोनिक बूम मारा इसने, ओ भाई साहब क्या एकदम खतरनाक, ऐसा कट जैसा सा लगता है ना, बस थोड़ा दूर से आता भाई एकदम। फायर स्पिन मारते हैं, मेरे ख्याल से एक में हार जाए यार प्लीज यार, क्योंकि एम्बर में भी हार जाता था। अरे वाह यार, एक में हरा दिया, बढ़िया 4 मिलियन कमाल कर दिया भाई तुसी। नाइस, उसके बिचारों को दिन में तारे याद आ गए। लेसली को हरा दिया, यू मेड इट क्लियर टू मी दैट आई शुड स्टिक विद स्कूल। अरे एक बैटल हारने से कुछ नहीं होता भाई, ऐसे थोड़ी हर कोई हारता है एक बैटल तो, लेकिन ऐसे हार मानने से थोड़ी बात बनती है। हाँ एक सेकंड, अब मैं ना यहाँ पे देख लेता हूँ पहले, यहाँ कुछ हिडन आइटम था क्या। अरे एक सेकंड, क्या हो गया बटर थ्री, देखा इसलिए काम आते हैं भाई। राइड पोकेमोन कभी ऐसे नहीं बैरी ढूंढ के देंगे, अगर पीछे चलाए रखो ना कुछ पोकेमोन को तो बैरी ढूंढ के देते हैं। पर यहाँ कुछ है क्या आइटम यार, पिकाचू टेल नहीं हिल रहा, पिकाचू टेल चलो चलते हैं फिर। यहाँ पे भी रास्ता है कुछ, एक सेकंड लियो और अभी नहीं करना यूज है ही नहीं कुछ। अंडरग्राउंड पाथ सेलेडोन सिटी 11। अरे सेलेडोन सिटी तो वही है ना मेरे ख्याल से, जहाँ पे क्यूमोन को ले गए थे। लेकिन यहाँ पे एक रास्ता है, यहाँ पे देखते हैं पहले क्या है। हेलो अंकल जी नमस्ते, आई एम ऑन गार्ड ड्यूटी एंड, अरे यार इनको चाय चाहिए भाई, अब मैं इन्हें चाय बना पिलानी पड़ेगी, अब मेरे पास ना तो भाई चाय पत्ती है ना चीनी है, मैं कहाँ से पिलाऊं भाई इनको यार, भाई प्यास लगती है तो चाय पीते हैं, ऐसा नहीं पानी पिए। वाह भाई कमाल हो अंकल जी आप। एक और अंकल जी है यहाँ पे अपने मस्त वाले। आई हैव देयर बीन अ स्लीपिंग पोकेमोन कॉजिंग ट्रबल आउट नियर सेलेडोन सिटी। ओ स्लीपिंग पोकेमोन स्नोरलैक्स, या उस स्लीपिंग पोकेमोन भाई मैं पकड़ने वाला हूँ बिल्कुल से, ताकि अपन को भाई मतलब स्नोरलैक्स मिल जाए अपनी पार्टी में। यहाँ देखते हैं, ओ देखा हिडन आइटम, इसलिए मैं ए दबाता चल रहा हूँ भाई यहाँ पे, ताकि ना हिडन आइटम मिले अपन को। बढ़िया आराम आराम चलेंगे हिडन आइटम ढूंढते ढूंढते, कोई जल्दबाजी है ही नहीं अपन को। अपने म्यूजिक सुनते सुनते चलेंगे भाई, एकदम मस्त मजा आता है यार म्यूजिक सुनने में भी ना, पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू में। पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू पोकेमोन गेम्स भाई मुझे पसंद ही इसलिए क्योंकि इनके म्यूजिक बहुत प्यारे होते हैं पोकेमोन गेम्स में, है ना। अरे यार पोकेमोन बैटल करने में तो मजा ही अलग है। अरे यार यहाँ पे वैसे यार कुछ मिल नहीं रहा, पोकेबॉल तो है यहाँ पे, चलो ले लेते हैं। एक्स एक्यूरेसी बढ़िया यार, कुछ नगट वगैरह मिले तो अच्छा है यार, फिर भाई कुछ पैसे मिलेंगे अपन को। यहाँ पे देखते हैं, मैं पूरा यहाँ पे चेक कर रहा हूँ एक एक चीज़ नहीं, एक जगह नहीं छोड़ूंगा मैं। देखा लेवर मिला, हाँ चलते जाओ सामान मिलता जाएगा यहाँ पे, मैं लोगों के गिरे हुए सामान ले रहा हूँ मेरे पास कितना खाली टाइम है। बटरफ्री भी कह रही होगी, बटरफ्री पिकाचू ये क्या टाइम पास कर रहा है, अबे चलना वहाँ पे क्यों फोन की मदद की जरूरत है, और यहाँ तो टाइम पास कर रहा है भाई। टाइम पास नहीं, देखो नगट मिला 5000 पोकी डॉलर ऐसे बना लिया मैंने। नाइस, कितना लंबा टनल भाई है पता नहीं, अब तक तो मैं बाहर निकल भी जाता अगर मैं नॉर्मल चलता तो, लेकिन मैं तो भाई हूँ लालची, मुझे तो सामान ढूंढना है। यहाँ पे पोकेबॉल लेते हैं, एक्स डिफेंस मिला बढ़िया, नाइस नाइस नाइस। मेरे ख्याल से बस इतना ही टनल है, मैंने सारा सामान ले लिया होगा यहाँ पे भाई, जिस हिसाब से मैं भाई यहाँ सर्च कर रहा हूँ ना, दबा दबा के यही दबाया जा रहा हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। नाइस, अरे यहाँ मैडम जी खड़ी है बैग लेके, वाह डू यू गो ओपन, ओ यू नो व्हाट आई मीन टू द डिपार्टमेंट स्टोर इन सेलेडोन सिटी। ओके डिपार्टमेंट स्टोर है वहाँ पे, दे सेल ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, इट्स वेरी हैंडी। अच्छा चलेंगे सेलेडोन सिटी में कभी, कभी नहीं अभी मतलब अभी आते हुए सेलेडोन सिटी यहाँ पे। ओ अंडरग्राउंड पाथ सेलेडोन सिटी 11 टाउन, हाँ पहुँच गए अपन सेलेडोन सिटी में, बढ़िया। ओ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अरे बटरफ्री देखो फिर से मुझे बेरी मिलेगी एक, नाइस क्या मिला, नैने बेरी मिली, बढ़िया है बटरफ्री यार नाइस। यहाँ पे देखते हैं, अरे रुक जा भाई मैडम जी पहले यहाँ मुझे पोकेबॉल ले लेने दे, फिर बात करेंगे। और यहाँ घास है मेरे ख्याल से, मुझे लियोर यूज़ कर लेना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ रेयर पोकेमोन मिल सकते हैं अपन को। कर लिया लियोर यूज़ तो, अभी मैडम जी से पहले बैटल कर लेते हैं फिर देखते हैं और आगे का। एज ट्रेनर भाई तो ताकतवर होंगी। हाउ मेनी जिम बैजेस डू यू हैव, मेरे ख्याल से 3 है ना, या 3 जिम बैज है मेरे पास, मतलब ये मेरे शायद इसलिए पूछ रहे ताकि मेरे स्ट्रेंथ का पता लग सके इसको। एज ट्रेनर यवेट्टे, अच्छा यवेट्टे कैसा नाम है खतरनाक सा, यवेट्टे इसके क्लास में रोल नंबर की अटेंडेंस होती होगी तो बोलते होंगे यवेट्टे। यस सर। ओए रायचू, ओ भाई साहब पिकाचू वर्सेस रायचू देखना गाइस तुम्हें, एक बार देख मतलब पिछली बार देखा था अपन ने यार जिम में, मतलब लूटिनेंट सर्च की, लेकिन आज भाई देखेंगे जीपी जैप मारते रायचू के। आ रहा है मेरा पिकाचू तेरी बैंड बजाने देख, अरे यार आधा डैमेज गया कोई बात नहीं भाई, इसके पास 3-3 पोकेमोन और देखो पहला रायचू है, तो सोच के देखो ये स्ट्रेनर भाई कितनी पावरफुल होगी। ओ भाई साहब स्पेशल मूव्स है ना, तो मैं जीपी जैप ही मारता हूँ, ये फिजिकल मूव है ना। मेरे ख्याल से हार जाए, हरा दिया बढ़िया मेरा पिकाचू कमाल भाई, एक अटैक में हरा दिया, मतलब दो अटैक में हरा दिया।
मतलब लेकिन भाई फिर भी सोच के देखो, मेरे पिकाचू ने अपने इवोल्व स्टेज को इतने आसानी से हरा दिया। नाइस भाई पिकाचू, आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। क्या निकाल रहा है? डक्ट्रियो। डक्ट्रियो के लिए वीनस और निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं वो टाइटल को निकालना नहीं चाहता भाई। फीजर मार दिया तो मेरे वो टाइटल की वाट लगने वाली है उससे। ओए वीनस और आ गया, बढ़िया। यहाँ पे कौन है? अरे भाई, ओ डक्ट्रियो आ गया। मेरे पास है डक्ट्रियो वैसे। रेजर लीफ मारते हैं इसके पहले। अरे अर्थक्वेक मार रहा है यार, ये गलत बात है भाई। मेरा पॉइजन टाइप भी डैमेज होगा अच्छा खासा। अरे नहीं हुआ, इतना नहीं हो जितना मैं सोच रहा था। मुझे लगा था हाफ डैमेज चला जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। हरा दिया पर मेरे विनसोर ने एक रेजर लीफ में। नाइस। अब अगला पोकेमोन कौन सा है इसका? भाई ताकतवर ही होगा, क्योंकि अब तक दोनों भाई इसके बढ़िया इवोल्ड पोकेमोन ही निकले हैं। अगला है इसका सील। ओ सील के लिए मेरे ख्याल से पिकाचू अच्छा रहेगा, क्योंकि यार सील ना वाटर और आइस टाइप है, तो अगर मैं चार्मियन को निकालता हूँ तो कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाएगी, क्योंकि वाटर टाइप भी है ना सील। और अगर पिकाचू को निकालूंगा तो पिकाचू मेरे ख्याल से हरा देगा एक थंडरबोल्ट में। सील को इतना कुछ हार्ड नहीं है, सील को हराना मेरे ख्याल से। जीप चिढ़ा रहा है मुझे, पर ये ज्यादा देर रुकने नहीं वाला। देखा, एक्वाजेट मार रहा है भाई ये, पर ये असर नहीं करने वाला। पागल, आइस टाइप अटैक मारना था तुझे कुछ, अगर मुझे हराना भी था तो। एक अटैक में नहीं हरा, कोई बात नहीं पिकाचू, कोई बात नहीं। ये जीप जैप मारते हैं और ये बढ़िया हरा दिया अपन ने सील को। नाइस। तो यार पिकाचू भाई हर बार ऐसे सिर करके, मतलब ऐसे सिर करके हमेशा ये बताता है मैंने हरा दिया, देख देख मैंने हरा दिया, मैंने कमाल कर दिया, मेरी तारीफ कर थोड़ी सी। ओ ओ यू आर स्ट्रॉन्गर देन आई थॉट। अरे भाई लेकिन भाई आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो मैडम जी, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है भाई। आप एस ट्रेनर हो भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई ये। अगर मेरा नाम कोई हो ना बबलू टाइप, बबलू तो इससे हार जाए भाई, मैं बता रहा ना तुमसे। बबलू को तो प्यार से हरा दे। यहाँ पे यार रेयर पोकेमोन कुछ नहीं है क्या? यहाँ पोकेबॉल है कोई? कुछ है यहाँ पे पोकेबॉल टाइप? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, देखते हैं। यहाँ पे वही गार्ड होंगे यार। अरे नहीं आंटी जी खड़ी, पहले बात कर लेते हैं। ओ डियर, आई थिंक आई गेव दैट पुअर गार्ड टू मैनी प्यूटर करंसीज टू इट। और प्यूटर करंसीज आपने दी थी क्या? दे आर रादर ड्राई इफ यू डोंट हैव एनी टी और एनीथिंग टू वॉश देम डाउन। अच्छा क्या हो गया आंटी जी? आई एम ऑन गार्ड ड्यूटी एंड आई टेक माई ड्यूटी वेरी सीरियसली, बट गी एम आई वेरी थर्स्टी। ओके अंकल जी, ठीक है अंकल जी, समझ गया मैं, आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, आपको पानी चाहिए, नहीं मतलब टी चाहिए, चाय बना के पिलानी पड़ेगी। अरे आर्कराइन यार, आर्कराइन इतना रेयर नहीं यार, जितना देखना दो निकल जाए भाई ऐसे ही। और कुछ निकलेगा यहाँ अच्छा सा? वही रेटिकेट है अभी तो, जिगलीपफ है। कर भाई लियोरी यूज करे रख, कुछ तो निकलेगा अच्छा मेरे ख्याल से। उम्मीद पे दुनिया कायम है। यहाँ पे देखते हैं भाई कितने आर्कनाइन है भाई, इसको पकड़ लेता हूँ मैं, जो छोटा वाला है ना, ताकि एक्सपीरियंस मिले अच्छा खासा। पकड़ लेते हैं इसको, अल्ट्रा बॉल ले रखी मैंने। अरे रुक जा यार, मेरी वेस्ट मत कर। अल्ट्रा बॉल 1200 पॉकेट ऑर्डर की आती है भाई, इतनी महंगी आती है भाई। आ जाइए एक बार पकड़ में प्लीज, मेरे ख्याल से आ जाएगा एक बार पकड़ में आर्कनाइन यार, इतना हार्ड नहीं है पकड़ना है ना। या प्यार से आ गया, नाइस एक्सपीरियंस पॉइंट दे यार बस अच्छे खासे ना, क्योंकि मैंने इसलिए पकड़ा है इसको। ओ 600 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले, बढ़िया नाइस अच्छे, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट था भाई ये अभी के हिसाब से देखा जाए तो। भाई कुछ निकलेगा अच्छा खासा यहाँ पे? मैं यहाँ घूमे जा रहा हूँ, घूमे जा रहा हूँ भाई, कुछ नहीं मिल रहा भाई इतना अच्छा। बस यहीं राइट टाइम मिलेंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं है भाई। अरे 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 भाई मेरे पीछे पड़ गया पागल रेट अटैक बच्चा। अरे हट जा भाई, मैं लियोर यूज तो कर रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ बैटल कर लेता हूँ इतने भाई अपने ये कोस्ट ट्रेनर से। ए स्मॉल पाथ बिटवीन टाउन्स, ठीक रूट 7 इज नाइस राइट, ओके आर यू रेडी? नाउ लेट्स प्ले एन एनसेंबल कॉल्ड अ बैटल। ओके अंकल जी इतने भाई, इतने भारी वर्ड कहाँ से लाए आप? कोस्ट ट्रेनर अल्पेश, अल्पेश यूनिक नेम है थोड़ा सा, अल्पेश अपने थोड़ा इंडियन जैसा नाम हो जाता अगर थोड़ा सा हो जाता भाई, रूपेश मतलब ऐसे टाइप हो जाता इंडियन नाम हो जाता। फारफेच है भाई इनके पास, नाइस नया पोकेमोन दिखा, मतलब पहली बार मेरे ख्याल से फारफेच से बैटल कर रहा हूँ मैं, नहीं वर्मिलन सिटी में तो एक अंकल जी के पास था वैसे ही घर में था किसी के, लेकिन यहाँ पहली बार बैटल कर रहा हूँ मैं और हरा भी दिया एक बार में, क्योंकि ये फ्लाइंग टाइप है ना। नाइस बढ़िया। अब एक काम करते हैं, विगली टफ आएगी भाई, तो विगली टफ के लिए मेरे पास कोई टफ पोकेमोन होना चाहिए ना, तो यहाँ पिकाचू के रखते हैं। बस यार सुलाए नहीं यार विगली टफ यार, देखो क्योंकि है ना ये जिगलीपफ से की बड़ी बहन है, तो इस सुलाने में नंबर वन होगी। थंडर मारते सीधा एक में हार जा, लग गया थंडर भाई, क्या किस्मत है मेरी बढ़िया। वैसे किस्मत कोई अच्छी नहीं है, तीसरी बार जाके एकदम भाई थंडर में भी नहीं आ रही है, इसका डिफेंस बहुत तगड़ा होगा। फसाड, अरे भाई यार ये यही है फसाद की जड़ भाई ये फसाड मार रही है फसाद की जड़ थंडर। अरे भाई दो बार लगातार थंडर लगा, समझ रहे हो बात को, इतना भाई लक लग रहा है भाई मेरे ख्याल से इस बैटल में अपना। हरा दिया, नाइस विगलीपफ को हरा दिया। इतना मुश्किल नहीं था इसको हराना मेरे ख्याल से, या दो थंडर लगे पर हरा दिया। इट वॉज अ ग्रेट सेशन, नाइस 3000 पॉकेट ऑर्डर दी कोस्ट ट्रेनर ने भी, बढ़िया अंकल जी थैंक यू फॉर द बेस्ट बैटल, हियर टेक अ टोकन ऑफ माय ग्रेटिट्यूड। अरे अंकल जी फसाड़ दिया, वाह अंकल जी ने फसाद की जड़ दे दिया हमें। TM12 हैज द मूव फसाड़, इट्स अ स्पंकी मूव दैट डील्स डबल डैमेज इफ द पोकेमोन यूजिंग इट हैज अ स्टेटस कंडीशन। ओ मतलब अगर मैं किसी को स्टेटस कंडीशन दे रखी है स्लीप पैरालिसिस या पॉइजन, तो फिर डबल डैमेज दूंगा अगर मैं कोई मूव मारूंगा तो। बढ़िया, ये कोई नहीं है भाई यहाँ पोकेमोन यार, मैं ढूंढे जा रहा हूँ मैं इतनी देर से भाई, कुछ नहीं मिल रहा है, ये निकल रहे हैं चूहे चूहे से, देखना है गोल्ड पोकेमोन निकल रहा है मेरे को यार, मुझे गोल्ड पोकेमोन नहीं पकड़ना देखना। अरे भाई हट जा भाई रेड अटैक बच्चे, मेरे पीछे मत आ पागल भाई, देखना तीन तीन चार चूहे निकल गए घर है यहाँ पे।
मेरे मुंह पे कूद गया यार, नहीं मैं उसके मुंह पे कूद गया। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी ब्रदर, सॉरी भाई, कुछ नहीं है भाई। यहाँ एक काम करते हैं भाई, अपन चलते हैं आगे, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं सोच रहा हूँ मेरे लियोर खत्म होने का वेट कर लो यार, मैं फिर चलेंगे भाई। पोकेमोन ना आगे स्पोर्न हो गए, रिस्पोर्न भी हो लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ नया नहीं आता। अरे मेरे पीछे मत पड़, क्या नाम है, पिजियोटा भाई, मेरा पिजियोटा भाई अभी डब्बे में पड़ा है भाई, मुझे उस पिजियोट बनाना था, पर चलो कोई बात नहीं। और लियोर खत्म, चलो निकलते हैं, कुछ बढ़िया तो मिल नहीं रहा वैसे भी। एक बार और देख लेता हूँ, एक चक्कर और। अरे नहीं, यही है भाई। अरे भाई हट जाओ यार मेरे रास्ते में से, चलो भाई आगे चलते हैं भाई। यहाँ कुछ हिडन आइटम दिखा रहा है क्या? ओ हिडन आइटम है यहाँ कुछ, एक सेकंड। हाँ देखा, हिडन आइटम 5 पाइनएप्पल बेरीज मिल, देखा ना भाई, इन फूल पत्तों में बेरीज मिलती है। ओ भाई साहब, देख देख के चलना पड़ेगा। ओ सेलेडन सिटी में आ गए हम, ये सेलेडन सिटी, द सिटी ऑफ रेनबो ड्रीम्स, नाइस। ओके यहाँ पे देखते हैं। अरे ये टीम रॉकेट का बंदा खड़ा है भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है? व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग एनीथिंग अराउंड हियर? वी आर टीम रॉकेट, डोंट यू नो? अरे भाई पता है भाई, टीम रॉकेट है भाई, तुम टेंशन मत लो, हमें पता है तुम एक नंबर गधे हो। ठीक है भाई हट, पोकेमोन सेंटर में चलते हैं, हील भी करा लेते हैं पोकेमोन को। नर्स जॉय फिर से मिल लेते हैं। और हेलो नर्स जॉय, वेलकम टू पोकेमोन सेंटर वीडियो। हाँ ठीक है नर्स जॉय कर दो। पोकेमोन हील हो गए अपने, नाइस बढ़िया। अंकल जी है, पोकू फ्लूट अवेकन स्लीपिंग पोकेमोन, इट डस सो विद अ साउंड दैट ओनली दे कैन हियर। अच्छा पोकी फ्लूट, या भाई पोकी फ्लूट मेरे ख्याल से ना अपन को मिलेगी बाद में, जिससे उस भाई, क्योंकि उससे ना स्नोरलैक्स जगेगा। ही आई एम मैडम सेलेडोन, आई एम द वन हु कैन लुक इनटू योर फ्यूचर एंड सी द एनकाउंटर्स दैट आर टू कम। Shall I foresee the nature of those fateful allies you have yet to meet? I will charge you 10,000 poke. What the hell? 10,000? और क्या क्या कह रही है? Wouldn't you like to know your fate? पता है ये ना ढोंगी होते हैं, मैं बता रहा, ये जो होते हैं ना, ये जो फेट वगैरह करने वाले, मैं फ्यूचर बता सकता हूँ, बता सकती हूँ, ये ढोंगी होते हैं। और कभी इसके जाल में फंसना नहीं चाहिए, तो मैं बिल्कुल नहीं फंसने वाला भाई। तो चलो चलते हैं यहाँ से, ओके निकलते हैं भाई यहाँ से, बिल्कुल नहीं फंसने वाला, बिल्कुल नहीं फंसना किसी के जाल में। यहाँ देखते हैं, इफ आई हैड अ पोकेमोन आई वुड गो टू पोकेमोन रोड टू। ओके पोकेमोन ने तेरे पास बच्चा है तू अभी? अच्छा इन अंकल जैसे बात कर ली थी अपन ने, यहाँ पे लड़की है। हाँ जी पास द वुमेन विद द आवर एट द कॉर्नर ओवर देयर, रूमर हैज दैट, क्या करता है रे तेरी तो, रूमर हैज इट दैट सी इज एन अमेजिंग फॉर्चून टेलर। क्या सही में? नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे, मिली है जो साथ में बता रहा, मैं नहीं करूंगा। आई एम कम हियर टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ कंटोरियन सेंसरू। अच्छा ट्रेड करेगा, ओके ओके मेरे पास सेंसरू है मेरे ख्याल से एक दो, या ट्रेड कर लेते हैं भाई सेंसरू को। अब मेरे ख्याल से अपन को अलोलन सेंसरू मिल जाएगा, जो कि भाई आइस टाइप होता है, ले लेते हैं भाई इसका। बाय बाय सेंसरू, जिसका मैं तेरा कभी भाई यूज भी नहीं किया, पकड़ने के बाद भाई बॉक्स में पड़ा था बेचारा, और अब ये भी बॉक्स में पड़ा रहेगा अलोलन वाला सेंसरू भी। पर कोई बात नहीं, अरे अलोलन सेंसरू भाई याद आया, मैं भाई अल्ट्रासन भी खेल रहा हूँ पोकेमोन अल्ट्रासन। सो यार तुम चेकआउट कर सकते हो, मतलब मेरे पोकेमोन अल्ट्रासन गेम प्ले भी मैं स्ट्रीम करता हूँ, या वीडियो नहीं स्ट्रीम करता हूँ मैं, मतलब हम सब इंजॉय करते हैं स्ट्रीम पे। सो यार स्ट्रीम ज्वाइन करा करो भाई, नोटिफिकेशन पे इनेबल करके रखो, ताकि भाई जब भी मैं लाइव आऊँ तो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर द ग्रेट ट्रेड। अच्छा ठीक है ट्रेड कर लिया। यहाँ पे अंकल जी खड़े लॉलीपॉप वाले। हाँ अंकल जी क्या हो गया? ओ इट सीम्स लाइक यू बीन हैविंग क्वाइट अ मार्वेलस एडवेंचर, ओके दैट मींस आई शुड इंक्रीज द मूव्स आई कैन टीच योर पोकेमोन। सो हे यू डू यू वांट टू टीच? अच्छा मार्वेलस मूव सिखाने वाले भाई अंकल जी, ओके फ्लोटी फॉल पिकाचू के लिए मेरे ख्याल से ना, फ्लोटी फॉल कैसा मूव है अभी ये देखना है। पिका पिका, अरे फ्लाइंग टाइप मूव है भाई, पिकाचू को फ्लाइंग टाइप मूव यार, दिस इज मतलब नया कुछ। यार एक अटैक हटाना पड़ेगा मुझे जीपी जैप या थंडर बोल्ट में से, जीपी जैप की पावर 50 है और थंडर बोल्ट की पावर 90 है। यार पता है जीपी जैप यार मैं हटाना नहीं चाहता, पर यार हटाना पड़ेगा क्योंकि थंडर बोल्ट भाई ज्यादा अच्छा मूव है जीपी जैप कंपेरिजन में। तो यार मैं जीपी जैप हटा देता हूँ और फ्लोटी फॉल रखते हैं भाई अपन। नाइस फ्लोटी फॉल सिखा दिया, एक मार्वलस मूव को हटा के दूसरा मार्वलस मूव सीख लिया। पर चलो ठीक है, पिकाचू का अपने फ्लाइंग टाइप मूव आ गया, अभी भाई जिम में काम देगा क्योंकि ग्रास टाइप जिम है ना अपनी। या ओ यार यहाँ का म्यूजिक इतना प्यारा है ना सेलेडोन सिटी का यार, यहाँ पे इस शहर में देखते हैं कुछ है यार नहीं प्यारा। और दिस इज माय ट्रस्टेड पाल पोली रैथ, इट इवॉल्व फ्रॉम अ पोली वॉल व्हेन आई यूज्ड अ वाटर स्टोन ऑन इट। अरे वाह अंकल जी, जब भी इतना हट्टा कट्टा लग रहा है। अरे साइड में ब्रो खड़ा है भाई, एक सेकंड। हेलो ब्रो क्या कर रहा है भाई? हे आई डिडंट एक्सपेक्ट टू रन इनटू यू हियर, क्या कर रहा है भाई? हेलो आई एम ऑन माई वे बैक फ्रॉम विजिटिंग द सेलेडोन सिटी जिम। अच्छा सेलेडोन सिटी जिम में गया था ये मिलने हैं? अरे वाह भाई, कीपिंग इन टच विद अदर जिम लीडर्स इज पार्ट ऑफ आवर ड्यूटीज आफ्टर ऑल। हाँ मुझे पता है क्या ड्यूटी है तेरी भाई, जिम लीडर वो एरिका है ना और वो एक लड़की है, या मैं समझ गया तेरे क्या ड्यूटीज है, समझ रहे हो? हाँ क्या हो गया? द गर्ल सेड द जिम ऑल टर्न्ड मी अवे फॉर सम रीजन। भगा दिया तेरे को? अरे भाई इसकी हरकत ही ऐसी सही है, मैं से भगा दिया हुआ। एक्चुअली हैव सम प्यूटर क्रंचीज आई ब्रॉट देम एज अ गिफ्ट टू द जिम हियर। ओ मुझे प्यूटर पर है ना, इससे भाई प्यास लगती है वो, मैं क्या नाम आंटी बता रही थी कि इसी वजह से गार्ड्स को प्यास लगी थी। तो यार अपन कम खाएंगे प्यूटर क्रंचीज और अपने पोकेमोन को भी कम ही खिलाएंगे। बैग में गया मेडिसिन, वैसे मेडिसिन पॉकेट में अपन खा भी नहीं सकते,
yeah, sad. Oh, and you're probably going to want some tea after eating them. Pewter crunches can make you thirsty. Okay, tea mil gayi. Oh, tea mil gayi. Ab main tea usko ja ke chai pila sakta hu. Badhiya. Wo haram khor bhai guard dimag kharab jaane bhi nahi dete bhai mujhe. Oh, tea mil gayi. Badhiya. Bro, thank you. Bye. Ah, I don't have enough left to give to that thirsty guard now. ओ भाई इस मतलब अब ये कैसे घर जाएगा अपने प्यूटर शहर में. एनीवे इट लुक्स लाइक यू बीन विजिटिंग द जिम्स इन अदर सिटीज. आई विश यू द बेस्ट. हां भाई जिम जीतना जरूरी है भाई, जब भी चैंपियन बन पाऊंगा मैं हर जिम बैच जीत के. बाय ब्रोक, थैंक्स फॉर द टी बाय द वे. यहां देखते हैं सेलेडोन कोंडोमिनियम्स. अरे एक सेकंड, क्या कहते हैं सेलेडोन कोंडोमिनियम्स? कोंडोमिनियम्स, अच्छा ठीक है. यहां देखते हैं कुछ है यहां पे. है भाई यहाँ कट का यूज है. ओके यहाँ नहीं जा रहा अभी, पर मैंने काट तो दिया इसे ऐसे ही, पर यहाँ जा नहीं रहा अभी मैं. ट्रेनर स्टेप्स एक्सेक्यूरेसी ठीक है, बूस्ट कर देता है मुझे पता है. यहाँ पे एक अंकल जी खड़े हैं. आई लॉस्ट अगेन एट द गेम कॉर्नर. गेम कॉर्नर भाई, यहाँ टीम रॉकेट है. ओके या मुझे पता है मुझे क्या करना है. आई गेस द पीपल हु आर सो गुड एट द गेम्स देयर मस्ट बी पुटिंग इन मोर एफर्ट देन आई डू. हाँ भाई गेम खेलने में भाई ऐसे थोड़ी गेम खेला जाता है, बहुत मुश्किल गेम खेलना, अभी आसान नहीं है. यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, बात कर लेते हैं इससे. हैंडमेड पोकेमोन एक्सेसरीज, गो टेक अ लुक ऑन द फिफ्थ फ्लोर ऑफ द डिपार्टमेंट स्टोर. अच्छा जाएंगे अपन डिपार्टमेंट स्टोर में, यही तो डिपार्टमेंट स्टोर आई गेस. या सेलेडोन डिपार्टमेंट स्टोर, यू विल बी श्योर टू फाइंड वट एवर यू नीड. अच्छा ठीक है. इस घर में नहीं गए थे ना अपन, जहाँ ब्रोक निकला जहाँ से. यहाँ पे चलते हैं एक बार, यहाँ पे देखते हैं एक बार क्या क्या है. हेलो आंटी जी, नमस्ते. बींग सराउंडेड बाय बाय बिलोड पोकेमोन वाइल एंजॉइंग सम रेस्ट एंड अ नाइस कप ऑफ टी, मोमेंट्स लाइक दिस मीन द मोस्ट टू मी. अरे आंटी जी थैंक यू. थैंक यू क्यों बोला वैसे मैंने, मुझे लगा ये मेरी तारीफ कर रही है. अबे नहीं एक सेकंड, ये अपनी बात कर रही थी कि इन्हें एंजॉय करते हैं. मैं उठ खड़ा भाई, मैं पता कई बार गेम के म्यूजिक में खो जाता हूँ ना, और फिर मैं क्या नाम है गाना सुनता रहता हूँ और कुछ भी बोल देता हूँ. ओ भाई यहाँ पे देखते हैं क्या है. ओ यहाँ अगला फ्लोर आ गया, उस साइड भी कुछ है यार, पर वहां जाऊँ कैसे मैं. यहाँ पे कौन बैठा है? आई हैव मीटिंग विद एन इंपॉर्टेंट क्लाइंट. फिर यहाँ पे गेट क्यों नहीं बंद कर रखा, मैं ऐसे घुस आया. यू वॉन्ट टू जॉइन इन? अच्छा मैं भी क्लाइंट बन जाऊँ क्या? है अंकल जी क्या हो गया? ओ बॉय मस्ट बी नाइस वर्किंग एट कंपनी वेयर यू डोंट एवर हैव टू वियर अ सूट. ओ भाई अच्छा इनसे कह रहे हैं कि इन्होंने सूट नहीं पहन रखा इस भाई ने, मतलब वही पैंट टी शर्ट पहन रखी है, पैंट शर्ट. यहाँ बैठ जाऊँ मैं? बैठ नहीं सकता यार, बटरफ्ली कहाँ अटक गए भाई. आजा भाई ऊपर चलते हैं, और मेरे ख्याल से ऊपर जाने का रास्ता था ना यहाँ पे. यहाँ देखते हैं क्या है. ओके और ऊपर जाने का रास्ता भाई, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना यहाँ सेलेडोन सिटी, बहुत बड़ा शहर है. आई एम ए ग्राफिक आर्टिस्ट, आई एम द वन हु डिजाइन यू. अच्छा मुझे डिजाइन किया था क्या? अच्छा गेम डेवलपर ने अपने कैरेक्टर डाल रखे हैं भाई गेम ने. अरे वाह, मतलब ग्राफिक आर्टिस्ट है इन्होंने, मुझे डिजाइन किया था. और ये मी, आई एम प्रोग्रामर. अच्छा ठीक है. और ये नाइंटेंडो स्विच रखा है, मुझे भी दे दो भाई, मुझे भी चाहिए नाइंटेंडो स्विच. समवंस प्लेइंग अ गेम इंस्टेड ऑफ वर्किंग. अरे वाह. वेलकम पोकेमोन ट्रेनर, यू प्रोबेबली वोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बट कम बैक वंस यू हैव अर्नड अ टाइटल. अच्छा चैंपियन का टाइटल अर्न करने के बाद या जिम लीडर का, मतलब जिम चैलेंज करने के बाद, पता नहीं. आई एम द गेम डायरेक्टर, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर प्लेइंग दिस गेम. अरे थैंक यू भाई, गुड लक विद फिलिंग अप योर पोकेडेक्स. इफ यू कलेक्ट ऑल ऑफ द पोकेमोन लेट मी नो. अच्छा पोकेमोन जब सारे मैं पकड़ लूँ तब उसके बाद इनके पास आना है, ठीक है पोकेडेक्स फिल करने के बाद. ओके आऊंगा, याद रखूंगा मैं इनको. आई रोट द स्टोरी, है टेल मी डोंट यू थिंक एरिका इज क्यूट. अरे या एरिका मेरे ख्याल से क्यूट है या. I like Misty a lot too. भाई Misty तो अल्ट्रा प्रो मैक्स क्यूट है यार. Oh and Sabrina, I like her too. अच्छा Sabrina जिम लीडर है, वो साइकिक टाइप. भाई देख Sabrina तो भूतिया है, तो Sabrina की तो मेरे सामने बात मत कर ठीक है. वो कहीं है किसी एंगल से क्यूट नहीं लगती वो लड़की, Misty फिर भी क्यूट है बहुत ज्यादा. हाँ यहाँ टॉप पे आ गया हो भाई साहब, क्या भाई नजारा देखना है पीछे का, पेड़ ही पेड़. 3 हेल्थ कैंडीज मिली ना, ये सब यहाँ पे नहीं चलते भाई, कुछ नहीं यहाँ पे. सो गाइस आज के एपिसोड के लिए इतना ही, आई होप तुम्हें एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो भाई इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ साइड में बेल नोटिफिकेशन भी इनेबल कर देना ताकि भाई तुम इस चैनल कोई भी वीडियो से भाई अपरिचित ना रहो. बाकी मैंने तुम बताई थे मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह करता हूँ, तो यार नोटिफिकेशन दबा के रखो, मैं जब लाइव आऊंगा तुम्हारा नोटिफिकेशन आ जाएगी. सो या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय.